नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति कोचर, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज देवला सहारनपुर से आपके समक्ष गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र भाग दो के साथ पुनः प्रस्तुत हुई हूँ। प्यारे बच्चों, परिसंचरण तंत्र भाग एक में आपने जाना कि मानव शरीर के विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए पूर्ण विकसित तंत्र मौजूद है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ भाग एक में आपको बताया गया परिसंचरण तंत्र के दो मुख्य भाग हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में आपको भाग एक में बताया गया। आइए बच्चों, जानते हैं भाग दो में आप क्या अध्ययन करेंगे। बच्चों, परिसंचरण तंत्र भाग एक में आप रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर, रुधिर का संगठन, रुधिर के कार्य, रुधिर वर्ग, रुधिर आदान एवं रुधिर बैंक के विषय में जान चुके हैं। भाग दो में आप पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में, धमनी व शिरा के बारे में एवं उनमें अंतर तालिका के माध्यम से, हृदय, मानव हृदय के विषय में आप पढ़ेंगे, हृदय की सचित्र संरचना, तत्पश्चात हृदय की कार्यविधि, हृदय किस प्रकार कार्य करता है इसको आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात परिसंचरण तंत्र का दूसरा मुख्य भाग लसिका परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत आपको लसिका की रचना के बारे में बताएंगे, लसिका के कार्य और अंत में रुधिर एवं लसिका में क्या अंतर है आपको यह स्पष्ट किया जाएगा। प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। रुधिर वाहिनियाँ क्या हैं? रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ पूर्ण शरीर में विकसित रूप में फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। रुधिर वाहिनियों के दो तंत्र हैं, धमनी तंत्र, शिरा तंत्र। बच्चों, इन्हीं दो तंत्र के माध्यम से रक्त हमारे पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है। ये दोनों तंत्र केशिकाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए धमनी और दूसरे सिरे पर शिरा, ये दोनों किस प्रकार जुड़े हैं आपस में? कैपिलरीज या केशिकाओं के द्वारा। धमनी को हम आर्टरी भी कहते हैं और शिरा को वेन। उसी भांति केशिकाओं को हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। आइए धमनी की विस्तृत जानकारी करते हैं। धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। अतः स्पष्ट है कि आदर्श रूप में इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है। धमनियों में किस प्रकार का रुधिर होता है? धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है। धमनियाँ हमारे रुधिर कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? धमनियाँ रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं, अर्थात अंगों तक ले जाती हैं। केवल फुफ्फुसीय धमनी इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाती है। धमनियों के उपरांत अन्य रक्त वाहिनियाँ हैं शिराएं। शिराएं शरीर के सब अंगों से एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। अतः आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय के पास लाती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, शिराओं में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर।
फुफ्फुसीय शिराएं इसका अपवाद होती हैं जिनमें शुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि ये फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में लाती है। धमनी एवं शिराओं के उपरांत केशिकाएं, जो धमनी एवं शिराओं को आपस में जोड़ती हैं, ये धमनी से शिरा तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी केशिकाएं होती हैं, जिन्हें कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में बिछी रहती हैं। वास्तव में अंगों में पहुंचकर धमनियां धमनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अंत में पतली पतली केशिकाओं में बट जाती हैं। ये छोटी छोटी केशिकाएं जुड़कर शिराकाएं एवं शिराएं बनाती हैं। बच्चों, चित्र के माध्यम से भी आपने इन्हें जाना। रुधिर का बहाव सदैव एक ही दिशा में होता है। बच्चों, आपने मुख्य रुधिर वाहिनियां धमनी और शिरा के बारे में जाना, जिनके द्वारा रक्त हमारे शरीर में परिभ्रमण करता है। आइए इन दोनों रक्त वाहिनियों के मध्य क्या अंतर है इसे तालिका के माध्यम से जानते हैं। धमनी एवं शिरा में अंतर। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाती हैं, वहीं शिराएं रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। दूसरा अंतर जानते हैं। धमनियों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, केवल फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। वहीं शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, केवल फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर है। पूछा जाता है, कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है जबकि शरीर में बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। समान रूप से शिराओं में वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? फुफ्फुसीय शिरा आपका उत्तर होगा, जबकि सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। आइए अगला अंतर देखते हैं। धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, वहीं शिराएं शरीर में ऊपरी स्तर पर पाई जाती हैं। चौथा महत्वपूर्ण अंतर है, धमनियों में स्पष्ट स्पंदन होता है और शिराओं में स्पंदन नहीं होता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को शिरा की ओर उल्टा बहने से रोकते हैं। अंत में धमनियों की दीवारें, भित्ति जिसे कहते हैं, मोटी व लचीली होती हैं, वहीं बच्चों शिराओं की दीवारें या भित्ति पतली होती है, या हम कह सकते हैं शिराएं पतली भित्ति वाली होती हैं। रुधिर वाहिनियों के उपरांत परिसंचरण तंत्र का केंद्र बिंदु मानव हृदय। बच्चों, हम सब जानते हैं मानव हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। परिसंचरण तंत्र का केंद्र बिंदु जो हृदय है, इसके विषय में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मानव हृदय। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर में वक्ष के अंदर मध्य से थोड़ा बाईं ओर एवं अधर तल की ओर स्थित होता है। यह सदैव धड़कता रहता है। यह शिराओं द्वारा विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करता है। एकत्र रुधिर को आवश्यकता अनुसार धमनियों द्वारा समस्त अंगों तक पंप करता है। हृदय की रचना की बात करें, हृदय की रचना विशेष प्रकार की हृदय पेशियों द्वारा होती है। यह पेशियां सदैव क्रियाशील रहती हैं और कभी भी थकती नहीं हैं। हम जानते हैं हमारा हृदय जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। साधारणतया
इसका आकार व्यक्ति की बंद मुट्ठी के समान होता है। इसके भार की बात करें, हृदय का भार लगभग 300 ग्राम, रंग गहरा लाल या बैंगनी सा होता है। मानव हृदय का भार शरीर भार का लगभग 1/200 भाग होता है। यह चारों ओर से दोहरी झिल्ली से बने हृदय आवरण, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, से घिरा होता है। बच्चों, हमारे शरीर के समस्त आंतरिक अंग किसी न किसी आवरण से घिरे रहते हैं। हृदय जिस आवरण से घिरा रहता है, उसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल तरल कहते हैं। यह तरल हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है और हृदय को नम रखता है। हृदय की संरचना। हृदय की भित्ति तीन परतों की बनी होती है। नंबर 1, बाह्य हृदय स्तर या एपिकार्डियम। दूसरी भित्ति पेशी हृदय स्तर या मायोकार्डियम, और अंतः हृदय स्तर या एंडोकार्डियम। बच्चों, यहाँ हृदय की आपको आंतरिक संरचना के लिए चित्र दिखाया गया है, जिसमें हमें पता चलता है हृदय 4 कक्षीय या वेश्मीय होता है। चित्र को देखने से पता चलता है कि हमारे हृदय की अलंब काट में हृदय हमें 4 कक्षों में दिखाई दे रहा है, जो कि हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद या जिसे आर्ट्रियम तथा नीले वेंट्रिकल में बटा रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा हृदय विभाजित कर रहा है किसे, अलिंद और नीले को। अलिंद हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग तथा नीले हृदय का शंकु रूपी भाग होता है। शरीर से रुधिर लाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं। महाशिराएं तथा फेफड़ों से रुधिर लाने वाली वाहिनियाँ फुफ्फुस शिराएं बाएं अलिंद में खुलती हैं। वहीं दाएं नीले से फुफ्फुस महाधमनी निकलती है तथा बाएं नीले से मुख्य धमनी निकलती है। ये दोनों क्रमशः फेफड़े एवं शरीर को रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ हैं। हृदय की संरचना जानने के उपरांत आइए जानते हैं हमारा हृदय किस प्रकार कार्य करता है, जिसका कि मुख्य कार्य रुधिर को हमारे शरीर में पंप करना है। हृदय की कार्यविधि। हृदय एक पेशीय अंग है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। आपने जाना हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीले फैलता है, तब यह कोष्ठ संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। बच्चों, अपनी बारी पर जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है,
तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दायें निलय में स्थानांतरित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। चित्र में यह प्रक्रिया आप आसानी से समझ सकते हैं। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद व निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार हृदय की कार्यविधि हृदय का शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य होता है। बच्चों, परिसंचरण तंत्र का रुधिर परिसंचरण भाग में यहाँ तक आपने रुधिर रुधिर वाहिनियाँ एवं हृदय के बारे में पढ़ा। अन्य भाग लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं। लसिका तंत्र, लसिका एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रुधिर स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है जो रुधिर केशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। बच्चों, वास्तव में लसिका छना हुआ रुधिर ही है जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं किंतु लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। विभिन्न अंगों के ऊतकों के संपर्क में होने के कारण लसिका में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन्स, लवण आदि पहुंच जाते हैं। लसिका के बारे में और जानते हैं। लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है जिन नलिकाओं के माध्यम से लसिका का परिवहन होता है उन्हें लसिका वाहिनियाँ कहते हैं। लसिका क्या है इसके उपरांत बच्चों जानते हैं लसिका तंत्र की रचना किस प्रकार होती है, यानी कि लसिका तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। लसिका तंत्र लसिका केशिकाओं, लसिका वाहिनियों, लसिका गांठों तथा लसिका अंगों से बना होता है। सबसे पहले जानते हैं लसिका केशिकाएं क्या हैं, जिन्हें हम लिम्फ कैपिलरीज के नाम से भी जानते हैं। ये अंगों में पाई जाने वाली पतली नलिकाएं होती हैं। आंत्र की भित्ति के रसांकुर में इनकी अंतिम शाखाएं, जिन्हें हम आक्षीर वाहिनियां कहते हैं, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। लसिका केशिकाओं के उपरांत लसिका वाहिनियां, जिन्हें जानते हैं लिम्फ वेसल्स के नाम से। लसिका केशिकाएं मिलकर लसिका वाहिनियां बनाती हैं। ये रचना में रक्त शिराओं के समान होती हैं। बच्चों, आपने धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ा। लसिका वाहिनियों की रचना भी रक्त शिराओं के समान होती है। सभी लसिका वाहिनियां अंत में अग्र महाशिराओं में खुलती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग लसिका गांठें या लिम्फ नोड्स। लसिका वाहिनियों के कुछ स्थानों पर
फूलने से लसिका गांठें बनती हैं। आंत की सब म्यूकोसा में पैर के जो चकत्ते पाए जाते हैं वे लसिका गांठें ही हैं। लसिका गांठों के उपरांत लसिका अंग, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, टॉन्सिल आदि लसिका का अंग है। लसिका अंग लिम्फोसाइट्स का निर्माण करके लसिका में मुक्त करते हैं। ये लसिका को छानकर साफ करते हैं। इनमें प्रतिरक्षी का संश्लेषण होता है। ये जीवाणु तथा हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर नष्ट करते हैं। इस रूप में शरीर की रक्षा करते हैं। लसिका की रचना के उपरांत आइए बच्चों आपका परिचय कराते हैं लसिका के कार्यों से। लसिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर एक, लसिका ऊतकीय द्रव एवं उन पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाती है जो धमनी केशिका से विसरित हो जाते हैं। नंबर दो, लसिका द्वारा शरीर की समस्त केशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। नंबर तीन, लसिका गांठों में लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं व अन्य बाहरी पदार्थ का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती है। नंबर चार, लसिका अंगों व लसिका गांठों में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी का निर्माण होता है जो परिरक्षण में भाग लेती है। नंबर पाँच, लसिका में श्वेत कणिकाओं की मात्रा अधिक होने के कारण यह घाव भरने में सहायक होती है। अंत में नंबर छः, छोटी आंत में वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका वाहिनियों द्वारा होता है। इन कार्यों के द्वारा आपने जाना कि लसिका के कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं जो परिसंचरण तंत्र का ही एक मुख्य भाग बनाती हैं। प्यारे बच्चों, परिसंचरण तंत्र के दोनों महत्वपूर्ण भाग रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं लसिका परिसंचरण तंत्र में आपने रुधिर और लसिका के बारे में विस्तार से जाना। आइए बच्चों, इस रक्त और लसिका में क्या अंतर है, इनका तुलनात्मक अंतर तालिका के माध्यम से पढ़ते हैं। रक्त और लसिका में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर। रक्त लाल रंग का दिखाई देने वाला रुधिर गाढ़ा, चिपचिपा एवं हल्का क्षारीय तरल होता है। वही बच्चों लसिका एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के स्थान में पाया जाता है। अन्य अंतर है, रुधिर लाल एवं श्वेत रुधिराणुओं तथा प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। इसका आधारीय पदार्थ तरल प्लाज्मा है। वहीं लसिका भी रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं किंतु लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, रुधिर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, लसिका में लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। रुधिर द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है जो कि रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं बच्चों लसिका ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं करती है। रुधिर में विलेय अर्थात घुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है, लसिका में अविलेय अघुलनशील प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। अंतिम अंतर, रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ
अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहीं लसिका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। परिसंचरण तंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के उपरांत आइए बच्चों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियों की क्या भूमिका होती है, आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। इसके उत्तर में आप रुधिर वाहिनियों के विषय में बताएंगे। धमनी व शिरा जो कि रुधिर वाहिनियाँ ही हैं, इनमें अंतर जो कि आपको तालिका के माध्यम से पढ़ाया गया है, यह आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। हृदय की संरचना एवं उसका चित्र आप इसके उत्तर में बताएंगे। तत्पश्चात हृदय की कार्य विधि बताइए, अर्थात हृदय हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। बच्चों यहाँ तीसरा एवं चौथा प्रश्न आपसे सम्मिलित रूप से विस्तृत रूप में पूछा जा सकता है। हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन एवं कार्य विधि बताइए, उस समय आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर का सम्मिलित उत्तर बताएंगे। लसिका से आप क्या समझते हैं, लसिका तंत्र के में आपने इस विषय में पढ़ा। लसिका तंत्र की रचना पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें एवं लसिका अंगों के विषय में लिखेंगे। लसिका के कार्यों का वर्णन कीजिए, लसिका के कार्यों को लिखेंगे और अंत में तालिका के माध्यम से रुधिर एवं लसिका के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, यह आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों परिसंचरण तंत्र के सभी भागों में आपने विस्तार पूर्वक इस अध्याय को पढ़ा, आशा करती हूँ यह आपको समझ आया होगा। परीक्षा के लिए अनेकों शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।